सुजानगढ़ सूचना में आपका स्वागत है। जाजोदिया स्कूल के पीछे स्थित खेल मैदान पर स्वर्गीय मुकेश भार्गव थाराभाई जी की स्मृति में आयोजित स्वर्गीय मुकेश भार्गव स्मृति क्रिकेट प्रतियोगिता के समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में बोलते हुए निवर्तमान सभापति हाजी सिकंदर अली खिलजी ने कहा कि हार और जीत एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, इसलिए हमें खेल को खेल की भावना से खेलना चाहिए। कार्यक्रम में बीजेपी के मंडल अध्यक्ष पवन चितलांगिया ने कहा कि वार्ड वाइज टीमों का गठन कर शहर में खेल प्रतिस्पर्धा का शानदार माहौल विकसित किया जा सकता है। वहीं पूर्व पार्षद सिराज खान कायम खानी ने खेल मैदान को तैयार करवाकर प्रतिभाओं को निखारने की बात कही, जबकि अमित जैन ने शानदार आयोजन के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया। निवर्तमान पार्षद राकेश कुमार प्रजापत का अतिथियों द्वारा साफा पहनाकर अभिनंदन किया गया। इस अवसर पर प्रतियोगिता की विजेता टीम देव क्रिकेट क्लब के कप्तान कमलेश गुर्जर, उपविजेता टीम लगान क्रिकेट क्लब के कप्तान गोपाल गुर्जर और उनकी टीम को अतिथियों ने ट्रॉफी व नगद पुरस्कार प्रदान करके सम्मानित किया। वहीं उल्लेखनीय प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों और आयोजन को सफल बनाने वाले लोगों का भी अतिथियों ने सम्मान किया। मैन ऑफ द मैच राकेश प्रजापत, मैन ऑफ द सीरीज रूपचंद गुर्जर रहे। राकेश प्रजापत ने बताया कि वार्ड नंबर 32 की 8 टीमों के मध्य क्रिकेट प्रतियोगिता आयोजन किया गया था। आयोजन को सफल बनाने में रूपचंद गुर्जर, कमलेश प्रजापत, परमानंद बोरा, बनवारीलाल भार्गव, भरत प्रजापत, जावरमल गुर्जर, देवीलाल प्रजापत, कमल बोहरा सहित अनेक लोगों का योगदान रहा। इससे पहले फाइनल मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए देव क्रिकेट क्लब की टीम ने निर्धारित 12 ओवर्स में 98 रन बनाए। जवाबी पारी में लगान क्रिकेट क्लब की टीम 64 रनों पर ही सिमट गई। तो बने रहिए ताज़ा खबरों से अपडेट रहने के लिए सुजानगढ़ सूचना से। कि ऐसे टूर्नामेंट होते रहेंगे जिसमें वार्ड में जितने भी व्यक्ति हैं अपने आपस में, जो मेरे वार्ड के जितने वासी हैं आपस में प्रेम बना रहे इनमें, और ऐसे टूर्नामेंट होते रहेंगे जैसे आपसी प्रेम भाव बढ़ता रहेगा। और मैं इन बच्चों से यही आशा करता हूँ कि आगे ऐसा टूर्नामेंट होता रहे और ज़्यादा खेल का विकास होता रहे। सभी को धन्यवाद। और मेरे वार्ड के सभी जो टीमें हारने वाली है तो जीतने वाली दोनों सब आपस में भाईचारा रखें और आगे क्रिकेट से प्रेम बढ़ाए रखें। हमारे बहुत बहुत प्रोग्राम हुआ, बढ़िया वार्ड का प्रोग्राम हुआ है, सिर्फ 32 नंबर वार्ड का मुकेश भाई जी की याद में किया गया है। बहुत ही बढ़िया तरीका से प्रोग्राम किया गया है। मैं कार्यकर्ता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ सब वासियों को मिलाकर। बहुत बहुत बढ़िया प्रोग्राम किया गया, आगे भी हर साल किया जाए और हर करते रहेंगे। सिकंदर जी अली आए थे, हमारे बहुत बहुत मनोकामना बढ़ाए। सराज खान जी बहुत बहुत, पवन जी चितलांगिया बहुत बहुत बढ़िया मनोकामना बढ़ाया, कैलाश जी प्रजापत बहुत बहुत। देखिए सर, मैं ये कहना चाहता हूँ, हार और जीत सिक्के के दो पहलू हैं। फाइनल मैच में हम जीत नहीं पाए, हमें इस बात का कोई गम नहीं है, लेकिन हमारी पूरी टीम पूरी निष्ठा से खेली और एकजुट होकर खेली, उसके लिए मैं बहुत खुश हूँ। और ये जो टूर्नामेंट है सिर्फ वार्ड वार्ड का था और ये इतना बड़ा हो गया, जितना कि जैसे पास पास के गांवों में भी इतना बड़ा टूर्नामेंट नहीं होता। और फुल समर्थन मिला, कार्यकर्ताओं ने जी जान लगा दी और जो आयोजक थे उनकी काबिले तारीफ करनी होगी। और गेस्ट आए वो भी बहुत बड़े बड़े, एक वार्ड के टूर्नामेंट में इतने बड़े गेस्ट आना ये भी एक बड़ी बात है। सिकंदर अली खिलजी हमारे चेयरमैन और हनुमान बेनीवाल के भी आने की पूरी आशंका थी, लेकिन किसान आंदोलन के कारण वो नहीं आ पाए। और अच्छा यहाँ पे विनिंग अमाउंट भी रखा गया है और अच्छी यहाँ पे ट्रॉफी वगैरह सब की व्यवस्था बहुत शानदार, आयोजक काबिले तारीफ की है। यहाँ पे मैं बहुत खुश हूँ, उपविजेता हूँ, उसके बाद भी बहुत खुश हूँ। वॉलंटियर